तो इसकी आवाज़ से मैं आपको बताती हूँ ये बाहर से कितने खस्ता हैं। देखें, ये बाहर से जितने खस्ता हैं अंदर से उतने सॉफ्ट और मज़े के हमारे ये कबाब बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ कच्चे चने की दाल के मज़ेदार से कबाब। तो चले स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर चने की दाल ली है मैंने 500 ग्राम, और इसे मैंने 3 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिया था। अब मैंने इसको फाइन चॉप कर लेना है। इसका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, पानी डाल के चॉपर के अंदर फाइन चॉप कर लेंगे। दाल को यहाँ पर देखिए मैंने इसी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हो गई है जैसे मलीदा होता है। अब इस तरह से देखिए हाथ में लें तो ये देखें आपस में कंबाइंड भी हो रही है। इतना हमने फाइन चॉप कर लेना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 अदद फाइन चॉप की हुई प्याज, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता, 1 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च, नमक 1 टीस्पून हसबे जायका, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इन सबको मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इनके कबाब बनाती जाऊँगी। ये इतने क्रिस्पी और मज़े के कबाब बनते हैं, तो आप इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इस तरह से सारे कबाब बनाती जाऊँगी मैं। अब आपने इसमें किसी चीज़ की कोटिंग नहीं करनी, बस इसी तरह से एज इट इज़ हम फ्राई करते जाएंगे। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, इसमें कबाब डालती जाऊँगी। इसे दोनों ही साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इसे पलट देंगे। यहाँ पर कबाब देखें अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह सारे कबाब में फ्राई कर लूँगी। तो उम्मीद है कि आपको ये दाल के कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।